Hi friends, welcome to our channel Inspiring Ideas for You. आज देखिए मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैक्रमे ड्रीम कैचर। इसको मैंने मैक्रमे की हेल्प से बनाया है और बीट्स की हेल्प से, और मैं बहुत इजी वे में इसको बताऊँगी आप कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, नॉर्मल सबसे पहले हम एक स्टील रिंग लेंगे और यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने 10 कॉर्ड्स का यूज़ किया है जो 1.8 मीटर लॉन्ग ईच है। अब बस यहाँ हेड नॉट बनाने के लिए देखिए हम क्या करना है। हेड नॉट बहुत ही इजी होती है। पहले हम कॉर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और सेंटर वाले पार्ट को हम बैक में ले जाएंगे रिंग के अंदर, और उसके बाद बचे हुए कॉर्ड को लूप के अंदर से निकाल के इसको टाइट करेंगे। अब आगे के डिज़ाइन बनाने के लिए हम जो नीचे वाला पोर्शन है इसको ऊपर की तरफ कर लेंगे रिंग को उल्टा करके, और फ्रंट में जो डिज़ाइन हमारी आ रही थी उसको बैक साइड में कर देंगे, और हैंग कर दिया है हमने इसको। अब आगे के डिज़ाइन बनाने के लिए हम पहले इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और जो सेंटर वाला है कॉर्ड मींस स्टार्टिंग से 10th वाला कॉर्ड, उसको हम लेफ्ट की साइड में ले जाएंगे। हमको डायमंड की शेप बनानी है यहाँ पे, और जस्ट उसके बगल वाले कॉर्ड से हम हिच नॉट बनाएंगे। हिच नॉट के लिए देखिए, जो हमने 10th वाला कॉर्ड लिया है उसको हम एज अ लीडिंग कॉर्ड यूज़ करेंगे, बाकी जितनी हमारी कॉर्ड है उनको एज अ वर्किंग कॉर्ड यूज़ करेंगे। तो बस हिच नॉट में हमको करना देखिए क्या होता है, हमारी जो लीडिंग कॉर्ड होती है उसको हम एक हाथ में रखेंगे, और जितनी भी वर्किंग कॉर्ड है उनको लीडिंग कॉर्ड के नीचे से ला के ऊपर लूप में डाल के नीचे से हम उसको पुल करके टाइट कर देंगे। बस देखिए ऐसे ही करते हुए हम ये डिज़ाइन अपनी कंप्लीट कर लेंगे। बस लीडिंग कॉर्ड को हम एक हाथ में पकड़े रहेंगे, उसको हमें नहीं छोड़ना है क्योंकि हमें उसी पर वर्क करना है, और एक कॉर्ड से हम 2 टाइम्स हिच नॉट बनाएंगे। अब देखिए हमारी एक लाइन कंप्लीट हो गई है। सेम ऐसे ही राइट की तरफ से जो 10th वाला कॉर्ड है उसको हमें लेफ्ट की राइट की तरफ ही ले जाएंगे, और हम इसे अब सेम नॉट बनाएंगे। लीडिंग कॉर्ड को हम एक हाथ में रखेंगे, और नीचे जो हमारी वर्किंग कॉर्ड्स हैं उसमें से जस्ट बगल वाले कॉर्ड को मींस 9th कॉर्ड को हम लीडिंग कॉर्ड के नीचे से ऊपर लेके आएंगे, और लूप के अंदर से निकाल के पुल करके हम उसको टाइट कर देंगे। बस अगर आपको वीडियो थोड़ी सी फास्ट लग रही हो तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके आप एक बार फिर से देखिएगा कि मैंने कॉर्ड को कहाँ से कैसे निकाला है, तो आप बहुत इजीली बना लेंगे। मैंने थोड़ी सी फास्ट इसलिए बनाई है ताकि वीडियो और ज़्यादा लंबी ना हो, आपका टाइम थोड़ा बचे। तो देखिए बस अब नीचे की जो डिज़ाइन है उस हम डायमंड शेप देने के लिए हमने क्या किया है, बस इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी डिज़ाइन बनेगी यहाँ। मैंने क्या किया है, जो हमारी 10th कॉर्ड थी लेफ्ट की तरफ से उसको हम राइट की तरफ लेके आए हैं, और जो हमारी लास्ट कॉर्ड थी लेफ्ट की तरफ की उसको हमने एज अ लीडिंग कॉर्ड यूज़ किया है, बाकी जितनी भी हमारी हैं वो वर्किंग कॉर्ड हो जाएंगी। एक एक करके हम सेंटर से एक एक कॉर्ड को लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे, और हम अपनी लीडिंग कॉर्ड में उसको अटैच करते जाएंगे। तो देखिए हम एक एक कॉर्ड को लेके आएंगे, बस हमें थोड़ा सा यहाँ पे टाइट करके हिच नॉट बनानी होगी जिससे ये एक डिज़ाइन बनती जाएगी, और ऊपर आप जो थोड़ा सा अभी गैप देख रहे हैं वो गैप जब हम इसको नीचे रिंग से अटैच करेंगे तो वो गैप भी नहीं पता लगेगा, और ऐसे ही बस जस्ट बगल बगल वाली रो कॉर्ड को यूज़ करके हम ये वाली डिज़ाइन इसकी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए जस्ट हमको राइट साइड में करना है, राइट साइड में भी हम सबसे पहले कौन सा लेंगे, सेंटर वाले कॉर्ड को लेंगे और राइट की तरफ लाएंगे, और राइट की तरफ से जो फर्स्ट वाली कॉर्ड है उसे एज अ लीडिंग कॉर्ड यूज़ करेंगे, और बाकी सबको वर्किंग कॉर्ड, और सेम हिच नॉट बनाते हुए हम यहाँ पे अपना डायमंड शेप कंप्लीट कर लेंगे। इसमें भी हम जस्ट बगल बगल वाली कॉर्ड का ही यूज़ करेंगे, और देखिए हमारा डायमंड शेप कंप्लीट होने के बाद में सारी कॉर्ड्स को हम रिंग पे अटैच करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले मैंने कॉर्ड ली है 1.2 मीटर लॉन्ग, और इसे हेड नॉट बनाएंगे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बनाई थी। देखिए लूप के अंदर से बस निकाल लिया, और एक हेड नॉट बनाएंगे एकदम सेंटर में पहले, उसके बाद इसे जस्ट बगल वाली जो कॉर्ड है मींस अगर हम कहें तो राइट से जो 10th कॉर्ड है उसमें एक मैंने बीट लगाया है। देखिए यहाँ मोती का यूज़ कर रही हूँ मैं, ये वुडन मोती है, और इससे
से सेम फिर से हिच नॉट बनाएंगे। देखिए रिंग के अंदर ले गए और लूप के अंदर से निकालते हुए हमने बाहर इसको खींच के टाइट कर लिया। सेम फिर से करेंगे हम कॉर्ड को रिंग के अंदर की तरफ ले जाएंगे सेंटर में, उसके बाद लूप के अंदर से निकाल के हम इसको टाइट कर देंगे। सेम ऐसे ही हिच नॉट बना के ही हमें सारी कॉर्ड्स को इस पर अटैच करना है। अब हम सेम जो लेफ्ट की तरफ से 10th कॉर्ड है उसमें वुडन मोती डालेंगे और इसको हिच नॉट की हेल्प से रिंग पे अटैच करेंगे। तो देखिए जैसे अभी हमने हिच नॉट बनाई थी सेम वैसे ही बनेगी। रिंग के अंदर कॉर्ड को ले जाएंगे और लूप से निकालते हुए फिर इसको टाइट कर देंगे। जहाँ हमने पहले भी जो जहाँ हिच नॉट ऊपर बनाई थी उसमें भी एक कॉर्ड से हमने 2 times बनाई थी, यहाँ पे भी हम एक कॉर्ड से 2 times बनाएंगे। अब जो एक कॉर्ड हमने यूज़ की है ऊपर से जो नीचे आ रही है उसके जस्ट बगल में हम देखिए फिर से 1.2 मीटर की एक और कॉर्ड का यूज़ कर रहे हैं, हेड नॉट बना रहे हैं यहाँ इसे, और फिर एक कॉर्ड ऊपर से अटैच करेंगे इसमें हिच नॉट की हेल्प से जैसे हमने पहले बनाई है, एक कॉर्ड से 2 times। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। अब देखिए सेम हम उसके जस्ट बगल वाली जो कॉर्ड्स है उससे हमने हिच नॉट से अटैच कर दिया और एक कॉर्ड हमने एक्स्ट्रा कॉर्ड लगा ली। अब फिर से हम यहाँ पे बीड्स का यूज़ करेंगे, वुडन बीड्स। यहाँ मैंने 3 size के बीड्स का यूज़ किया है, सेम कलर के हैं बट 3 size के हैं और बहुत ईजली वे में उसके बीड्स कॉर्ड में चले जाएं, इसलिए मैं थोड़ा सा टेप का यूज़ कर रही हूँ साइड में, इससे बहुत ईजी से चले जाते हैं। देखिए बहुत ईजली चले गए और यहाँ पे आप फिर से इसको अटैच करेंगे, देखिए लुक वाइज कितने अच्छे लग रहे हैं। अब सेम हिच नॉट बनाएंगे और इसको अटैच कर देंगे, उसके बाद फिर हम कॉर्ड को और अटैच करेंगे 1.2 मीटर की, उसके बाद फिर हम एक कॉर्ड ऊपर से अटैच करेंगे ऐसे ही। देखिए अब हम नेक्स्ट जो हमारी आई है 2 cords ऊपर से अटैच करने के बाद जो नेक्स्ट कॉर्ड है उसमें हम फिर से बीड्स का यूज़ कर रहे हैं। पहले ऑरेंज बीड्स का यूज़ किया था, अब ब्लू, उसके बाद देखिए लास्ट में मैंने पिंक का यूज़ किया है। ऐसे ही 2 cords छोड़ छोड़ के ऊपर से फिर मैंने एक एक कॉर्ड में बीड्स लगाए हैं। सेम लेफ्ट साइड से भी हम बना लेंगे, देखिए कितना सुंदर लग रहा है बीड्स के साथ में डिज़ाइन कितनी अच्छी लग रही है। अब सेंटर में हमको अपनी दूसरी डिज़ाइन बनानी है, जिसके लिए सेंटर के 4 cords का यूज़ करेंगे, उसके राइट के साइड से 8 cords और लेंगे, बाकी सबको हटा देंगे और लेफ्ट के साइड से 8 cords और लेंगे। अब हम यहाँ स्क्वायर नॉट बनाएंगे, स्क्वायर नॉट के लिए हम 4 cords को लेते हैं जिसमें जो सेंटर की 2 cords होती हैं उनको एक साथ रखते हैं और देखिए लेफ्ट वाली को राइट की तरफ लाए और राइट वाली को लेफ्ट वाली कॉर्ड्स के ऊपर से पीछे की तरफ ले गए हैं और लूप से निकाल के आगे की तरफ उसको टाइट कर दिया। अब एक बार हम लेफ्ट वाली को राइट की तरफ लेके आते हैं, एक बार राइट को लेफ्ट की तरफ, तो इस बार राइट को लेफ्ट की तरफ ले गए हैं। सेम ऐसे ही हम 5 knots बनाएंगे, यहाँ पे एक नॉट हमारी बन गई है। अब देखिए सेकेंड नॉट के लिए फिर हम सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे, 4 cords को लेंगे, 2 cords को हम एक ही साथ रखेंगे सेंटर वाली और एक बार राइट की तरफ से नॉट बनाएंगे, एक बार लेफ्ट की तरफ ले जाके नॉट बनाएंगे। अब सेम ऐसे हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी नॉट। उसके बाद हम राइट साइड से 2 cords हटाएंगे और 2 cords लेफ्ट से हटाएंगे। अब यहाँ पे हम 4 square knots फिर से बनाएंगे, 4 square knots जब हमारी बन जाएंगी फिर से हम सेम प्रोसीजर करेंगे, 2 cords को साइड से हटा देंगे। अब यहाँ पे हम 3 square knots बनाएंगे, फिर 2 cords को हटाएंगे और अब हम यहाँ पे 2 square knots बनाएंगे। ऐसे देखिए पहले हमने 5 knots बनाई थी, फिर 4 बनाई, फिर 3 बनाई, अब हम यहाँ पे 2 knots बना रहे हैं। उसके बाद हम फिर स्टार्टिंग और एंड से 2 cords को हटा देंगे और अब हमारे पास सिर्फ 4 cords बची जिससे हमने 1 square knot बना ली। अब सारे कॉर्ड्स को नीचे लेके आएंगे, तो देखिए इस डिज़ाइन के जस्ट बगल वाली जो कॉर्ड्स हैं उनको निकालेंगे और उनसे हम फिर ऐसे शेप बनाएंगे वी की शेप हिच नॉट से। तो अब हमने जो जस्ट बगल वाली कॉर्ड ली थी उसको एज अ लीडिंग कॉर्ड यूज़ करेंगे और बाकी जो हमारी नीचे कॉर्ड्स हैं सारी वो एज अ वर्किंग कॉर्ड होंगी हमारी, और हर कॉर्ड से 2 times हिच नॉट बनाते हुए हम अपनी डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ऐसे ही पूरी हम अपनी डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे।
सेम ऐसे ही अब हम राइट साइड से करेंगे। राइट साइड से एक कॉर्ड लेके एज अ लीडिंग कॉर्ड और बाकी वर्किंग कॉर्ड से हम अपनी डिज़ाइन बनाएंगे। एक कॉर्ड से हम टू टाइम हिच नॉट बनाएंगे। देखिए बहुत इजी वे में हमारी पूरी डिज़ाइन कंप्लीट होती जा रही है। कितनी इजी है, ऊपर भी हमने सेम कॉर्ड का यूज़ किया, सेम डिज़ाइन का यूज़ किया था, नीचे भी हम सेम डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं। जब हमारा लास्ट में इनको ज्वाइन करना होता है तो भी हम सेम जैसे हिच नॉट बनती है वैसे ही इसको हिच नॉट बना के ज्वाइन करते हैं। देखिए पहले भी मैं आपके साथ में एक ड्रीम कैचर शेयर कर चुकी हूँ, वो भी वेस्ट वूलन का यूज़ करके, तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगी, तो वहाँ से चेक करिएगा। अब देखिए ये डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद जस्ट इसके बगल के थ्री कॉर्ड्स को मैंने लिया है राइट और लेफ्ट सेम, और इससे हम फिर स्क्वायर नॉट बनाएंगे। तो स्क्वायर नॉट हमारे फोर कॉर्ड से बनती है, तो थ्री कॉर्ड्स हमने अलग से लिए हैं और एक कॉर्ड हम इसी में से यूज़ करेंगे, और इससे हम फिर से स्क्वायर नॉट सेम पूरे अपने हिच नॉट के नीचे नीचे एकदम साइड में बगल बगल में बनाएंगे। और पूरे में स्क्वायर नॉट कंप्लीट होने के बाद जैसे अभी हमने हिच नॉट बनाई है सेम वैसे ही उसके नीचे एक लाइन देखिए हम हिच नॉट की भी बना देंगे। तो सेम प्रोसीजर है जैसे हमने पहले किया था। अब बस नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए हमको नेक्स्ट स्टेप के लिए ध्यान ये देना है कि हमको साइड साइड से फाइव कॉर्ड्स को हटाना है। राइट से फाइव कॉर्ड्स हटाएंगे और फाइव कॉर्ड्स को लेफ्ट से हटाएंगे और फिर सेम हम क्या बनाएंगे स्क्वायर नॉट। यस देखिए हम यहाँ फिर से स्क्वायर नॉट को बना रहे हैं और स्क्वायर नॉट कंप्लीट होने के बाद उसके नीचे हम फिर से हिच नॉट बनाएंगे। यस अब हम सेम वैसे ही रिपीट कर रहे हैं। यहाँ हमने सेंटर में एक बनाई है और दो राइट की तरफ और दो लेफ़्ट की तरफ स्क्वायर नॉट को बना लिया है। बस यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताऊँगी यहाँ हिच नॉट बनाने के लिए, उसको ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ बनाएंगे तो सेम हिच नॉट, मगर आप देख रहे होंगे कि बीच में स्क्वायर नॉट के गैप बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, इसलिए जो स्क्वायर नॉट में जो फोर्थ कॉर्ड्स का यूज़ हुआ है उसमें जो फर्स्ट कॉर्ड है उस कॉर्ड से हम थ्री टाइम्स रिपीट करेंगे हिच नॉट को, और सेकेंड और थर्ड कॉर्ड से हम टू टू टाइम्स ही बनाएंगे, और जो फिर से फोर्थ कॉर्ड आएगा उससे फिर हम थ्री टाइम्स रिपीट करेंगे। इससे क्या होगी जो हमारी गैपिंग है स्क्वायर नॉट के बीच की वो हमारी कवर हो जाएगी। ऐसे ही करते करते फर्स्ट कॉर्ड से हम थ्री टाइम्स बनाएंगे, सेकेंड और थर्ड कॉर्ड से टू टाइम हिच नॉट बनाएंगे, और फोर्थ कॉर्ड से फिर से अगेन थ्री टाइम्स बनाएंगे। और जब आप बनाएंगे तो कहीं पे अगर आपको और ज़्यादा गैप दिखे कि आपको लगे कि तब भी गैप आ रहा है तो आप फोर टाइम्स भी उसको बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइट बनाइएगा। जैसे अगर टाइट स्क्वायर नॉट आप पहले से ही बनाएंगे तो आपका गैप ज़्यादा नहीं आएगा। देखिए बस ऐसे ही हमने कंप्लीट कर लिया है दोनों साइड से, और उसके बाद हम यहाँ सेम हिच नॉट बना के इन दोनों को एक दूसरे से ज्वाइन कर देंगे। देखिए बस बहुत ही इजी वे में ज्वाइन हो गए हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे अंदर फाइव स्क्वायर नॉट्स बनाई हैं सेम ऐसे अब हम थ्री स्क्वायर नॉट इसके नीचे बनाएंगे और फाइव कॉर्ड्स को फिर से राइट और लेफ्ट से हटा देंगे। अब हम थ्री स्क्वायर नॉट बनाएंगे, उसके बाद हमने एक स्क्वायर नॉट बनाई है नीचे, और हमारी नीचे की डिज़ाइन ये पूरी कंप्लीट हो गई है। अब ऊपर में जो साइड के हमारी कॉर्ड्स हैं वहाँ पे भी हम सेम हिच नॉट ही बनाएंगे। उसके लिए पहले हम एक कॉर्ड को लेफ़्ट की तरफ ऊपर ले जाएंगे, इस स्टील रिंग जो हमारी है उसे अटैच करते हुए रिंग से हम हिच नॉट बनाएंगे यहाँ पे। देखिए बहुत सिंपल वे में ये भी बन जाएगी, जैसे हमने पहले हिच नॉट बनाई ऐसे ही हम राइट और लेफ्ट में बना लेंगे दोनों तरफ। और फ्रेंड्स पहले मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किए हैं कई हैंगर्स, तो प्लांट हैंगर्स जिनका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, तो सभी प्लांट हैंगर्स को आप एक बार चेक ज़रूर करिएगा, जिसमें कई ऐसे हैं जिसमें जिनको मैंने केवल एक ही नॉट का यूज़ करके पूरे प्लांट हैंगर को बनाया है, तो आई बटन में मैं आपको लिंक दूंगी वहाँ से चेक करिएगा। अब देखिए बस ये वाली नॉट कंप्लीट होने के बाद में जो हमारी कॉर्ड बाहर की तरफ जा रही थी उस कॉर्ड को हम अंदर की तरफ फिर से रिपीट कर देंगे, और नीचे जो हमारे कॉर्ड्स थे एक्स्ट्रा उसको हमने वी शेप में कट कर दिया है। और वी शेप में कट करने के बाद देखिए जो ऊपर मैंने बीड्स यूज़ किए थे उन बीड्स को मैंने सेम उसी प्रोसीजर से जैसे पहले थोड़ा सा टेप लगा के इन बीड्स को मैंने पहले थोड़ा कॉर्ड पर टेप लगाया, उसके बाद इन बीड्स को उस पर अटैच कर दिया। तो देखिए फाइनल लुक इसका। अब बस हम ऊपर हमको इसको हैंग करने के लिए एक लूप बनाना है, जिसके लिए मैंने
पतले कॉर्ड का यूज़ किया है, या इसको थ्रेड भी कह सकते हैं हम, मैक्रमे का ही है बट ये। अब इसको मैं पीछे से लेके आगे की तरफ निकाल रही हूँ और इसमें अब मैं पहले इसको रिंग पे अटैच करेंगे। रिंग पे अटैच करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हिच नॉट बनानी होगी। तो फिर हम हिच नॉट बना के इसको रिंग पे अटैच करेंगे। देखिए देखिए बहुत इजी बने। हम कॉर्ड को पीछे ले गए और लूप की अंदर से निकालते हुए आगे टाइट कर दिया हमने। ऐसे ही बस 2 times करेंगे और ये रिंग पे अटैच हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर हम बीड्स डालेंगे, वुडन बीड्स का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ मैंने 2 pink color के लिए हैं, दोनों साइड में मैं एक एक बीड्स को डालूँगी, एक राइट के साइड में और एक लेफ्ट के साइड में। अब इसके बाद मैंने एक थोड़े से बड़े बीड का यूज़ किया है जिसके अंदर मैं दोनों कॉर्ड को डाल दूँगी। और उसके बाद इसको देखिए बीच में मैंने ऐसे नीचे कर दिया है। अब ऊपर एक नॉट बना देंगे हम, सिंपल नॉट बना देंगे। ये देखिए लूप के अंदर से डालते हुए दोनों कॉर्ड्स को बाहर खींच लेंगे और एक्स्ट्रा जो थ्रेड होगा उसको हम कट कर देंगे। इसके बाद इसे ईजिली हम कहीं भी हैंग कर सकते हैं। इसको कट कर देंगे हम, एक्स्ट्रा जितना भी हमारा थ्रेड होगा। तो देखिए इसका ऊपर का लुक ऐसा आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।